नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मेन एग्ज़ाम के फॉर्म से रिलेटेड एक अपडेट देने वाले हैं। तो जो छात्र छात्राएं जो आगरा यूनिवर्सिटी से हैं और जो इस बार री एग्ज़ाम सॉरी जो इस बार मेन एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो प्राइवेट एग्जामिनेशन के बच्चे हैं प्राइवेट एग्ज़ाम के, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सभी छात्र छात्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले। तो एग्जामिनेशन लिखा है, फॉर्म भरने से पहले ही वेबसाइट का रहा सर्वर डाउन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कराई। परीक्षा शुरू करने के ऐलान के साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट ने छात्रों की मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दिया। पूरे दिन विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट गेटवे टाइम आउट बोलती रही। प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्रों ने डेटा ना होने के कारण से समस्या हुई। विश्वविद्यालय अभी दो तरह से परीक्षा करा रहा है। सत्र 2021-22 में विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू किया। इसके बाद BA, BSc और BCom की परीक्षा सेमेस्टर सिस्टम पर होने लगी। सत्र 2022-23 से विश्वविद्यालय ने MA, MSc और MCom में भी NEP को लागू कर दिया। इस बार स्नातक और परिणामस्तक की परीक्षा सेमेस्टर पर हो रही है, लेकिन अभी भी स्नातक अंतिम वर्ष और परिणामस्तक अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा वार्षिक आधार पर होगी। मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय ने शुक्रवार से शुरू की। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश के अनुसार वेबसाइट खुलने में कुछ तकनीकी समस्या थी जिसे दूर कर दिया गया है। तो जो स्टूडेंट्स बार बार मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जा रहा, साइट नहीं खुल रही है, तो दोस्तों साइट कुछ टेक्निकल एरर की वजह से साइट को नहीं खुल रही थी, लेकिन अब वो साइट ठीक हो चुकी है। ठीक है, आप अपने कॉलेज में जाइए, प्राइवेट स्टूडेंट्स अपने आप अपना फॉर्म अपने आप भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी मेन एग्ज़ाम के रेगुलर के छात्र छात्राएं हैं वो एक बार कॉलेज में जाइए, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए अपने टीचर से, वहाँ जाके अपना फॉर्म को भरवाइए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।